से पावर किस किस ने निकाल के लगाई? हमने लगाई सर। हमने लगाई सर। आज हमारी रेड सेक्शन की क्लास थी देव सर के साथ, सुबह 10 बजे से कंटिन्यू 5 बजे तक हमारी क्लास चली। ओके, और उसके बाद मैं कम सेट की बात करूं तो अभी डेट बैटरी कनेक्टर और वीबस से लेके सीपीयू ईएमसी तक आपका सारे डाउट्स क्लियर है कि नहीं? डाउट्स क्लियर है, कहां कितना वोल्टेज कब आएगा, कितना जीआर आएगा, सीपीयू से प्रॉब्लम है, ईएमसी से प्रॉब्लम है या चार्जिंग आईसी से, सारा क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। आज देव सर के साथ क्लास था, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चला है, और उसमें डेड सेक्शन में एकदम एक्यूरेट सिखाया है, इतना बढ़िया सिखाया कि मतलब किसी आईसी को ना ओनली एक लाइन चेक करके बता सकते हैं वो आईसी सही है या खराब। पावर के सर कोई सी आईसी की पैड लाइन चेक कर सकते हैं, कोई सी लाइन हो, कोई सी आईसी हो। आज हमारे देव सर के साथ क्लास थी, अच्छा 10 बजे से लेके नॉन स्टॉप 5 बजे तक के चली हमारी क्लास। ओके, फिर उसके बाद? उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल की क्लास थी जी, एमडी सर ने हमें बहुत अच्छे से डायग्नोस करना सिखाया कहाँ से। अच्छा ये बताइए कि आपने कितने हैंडसेट पे डायग्नोस करा था? हमने 3 से 4 सेट पे जो आपके साथ लेके आए थे आपने उस पर डायग्नोस करा, तो आपको रिजल्ट मिला उसके अंदर कि मेरे मोबाइल कहाँ से फॉल्टी है? बिल्कुल 101। अगर आज आमची 1.5 सेक्शन ची क्लास होती है, ओके, सकाळी 5 वाजल्यापासून ते म्हणजे सकाळी 10 वाजल्यापासून ते रात्री 5 वाजल्यापासून क्लास चालली आमची, देवसरांसोबत क्लास होती आमची। तर आज त्यांनी आम्हाला 1.5 सेक्शनमध्ये बॅटरी कनेक्टर पासून डीसी टू डीसी आयसी, चार्जिंग आयसी विथ सीपीयू, विथ रॅम, एमएमसी, कुठं कसं डायग्नोस करायचं ते आम्हाला सगळं सांगितलं। आम्ही सोबत 2 ते 3 हँडसेट आणले होते, ते आम्ही पूर्ण डायग्नोस केले, म्हणजे चेक केले, पूर्णपणे रिपेअर केले। ते नॉलेज आम्हाला पहिलं नव्हतं, एशिया टेलिकॉममध्ये आल्याच्यानंतर आम्हाला ते नॉलेज भेटलेलं आहे, तर त्यासाठी धन्यवाद देव सर। मेरा क्लास डेट सेक्शन था, देव सर के साथ सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कंटिन्यू क्लास चला। ओके, और मैंने सारे पैड लाइन्स चेक किए। ओके, डीसी से लेकर बैटरी कनेक्टर से लेकर डीसी पावर आईसी सीपीयू एमसी तक पूरी लाइन चेक किए। ओके, 5 वाजेपर्यंत 1.5 सेक्शन चालू होता। ओके, 1.5 सेक्शन मध्ये कोणता बंद पडलेला फोन, कोणती कोणती रेटिंग कुठं कुठं जाते, सीपीयू पर्यंत, चार्जिंग सेक्शन पर्यंत, ते सगळं डिटेल मध्ये 5 वाजेपर्यंत सांगितले। 5 पुढून पुन्हा प्रॅक्टिकल करून आता 11 वाजेपर्यंत प्रॅक्टिकल करून घेत, ह्यामध्ये सगळं नॉलेज म्हणजे कोणतं पॉईंट कुठपर्यंत जाते, कोणती रीडिंग कुठपर्यंत येते, हे सर्व नॉलेज देव सरने आम्हाला दिलेले। त्याच्यासाठी थँक्यू एशिया टेलिकॉम, थँक्यू देव सर। त्यापासून 5 वाजेपर्यंत क्लास चालले। ओके, त्यामध्ये देव सर मोबाईल रेडेड असला तर कुठं कसं प्रॉब्लेम येते, कुठून फर्स्ट टाईम कुठं चेक करायचं, परत तिथनं पुढं कसं प्रोसेस करायचं, परत डीसीवर किती रीडिंग येते वगैरे पूर्णपणे माहिती दिली। आणि त्याच्यानंतर 5 नंतर एमडी सरने पण प्रॅक्टिकल घेतले खूप चांगल्या प्रकारे, आणि काय झालं का आणि कुठून कसं होतं आम्हाला काहीच माहिती नव्हतं, माझं तर फर्स्ट टाईमच आहे, त्याच्यामध्ये पूर्ण सरनं माहिती दिली आणि कसं कुठून कसं चेक करायचं पूर्णपणे माहिती सांगितली। मला वाटत नाही की दुसऱ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्यावर अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे असं शिकवलं असते डीपमध्ये, त्याच्यामुळे कोणाला जर रिपेअरिंगमध्ये आणखीन शिकायचं असेल तर तुम्ही बिंदास एशिया टेलिकॉम ते इतने अच्छे तरीके से समजाय की आज मोबाईल पूरा मैं पूरा मेरा मोबाईल था मेरा मोबाईल मैं चालू करके आज मैं पूरा डायग्नोस करके अच्छी तरीके से कहाँ जाना है, कहाँ से कितना कौन सा वोल्टेज चेक करना है, क्या है पूरा पूरा अच्छे तरीके से देव सर ने बताया। फिर बाद में एमडी सर ने अपना प्रैक्टिकल करके पूरा डायग्नोस कैसा करना है वो सब अच्छे तरीके से बता दिए। और ये मेरा मोबाइल खुद का मेरा मोबाइल में चालू करके मैं चालू कर रहा हूँ आज। ओके, इसलिए एशिया टेलीकॉम का इतना तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मैं ये पूरा पहले तो मेरा कुछ भी मालूम नहीं था डायग्नोस कैसा करना क्या है। इस डेट सेक्शन का क्लास था जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे लगा था, कंटिन्यू क्लास चला है देव सर के साथ। ओके, और पूरा डेट सेक्शन का नॉलेज दिया गया है, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा कनेक्शन कहाँ से दिया गया है, डीसी जीरो से बताया गया डेट कनेक्शन, पहले नॉलेज नहीं थी। आज जब डेट आज सर के साथ जो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास रही, उसने सारा ही हमें शुरू से लेके एंड तक सारी नॉलेज दिया, कहीं पैड लाइन से लेके सबकी जीआर से लेके हर चीज़ की हमें पता, हम ट्रेसिंग कर सकते हैं और हमारे पास से कोई भी डेड फोन वापस नहीं जाएगा। अभी लाइव क्लास में क्या किया, प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? मैंने 3 मोबाइल अपने खुद के चालू किए।
उसके अंदर सैमसंग का भी लेटेस्ट मोबाइल है अभी आपके पास आया था। अच्छा वो बताइए कि उसके अंदर फॉल्ट था आपको, उसको फॉल्ट निकालने में कितना समय लगा? एक फोन में तो मुझे मात्र 2 से 3 सेकंड लगी। 2 से 3 सेकंड लगे तो वो नजरे हैं आपके पास, ढूंढेगी सर। आज 10 से 5 क्लास थी हमारी देव सर के साथ, और आज मतलब की क्लास में इतनी बढ़िया नॉलेज मिली है कि डायग्नोस करने की, डेड है मतलब क्या, कौन सी वोल्टेज हमारी मिस है, और आईसी चेक करने की एक लाइन से हम बता सकते हैं कि ये आईसी मतलब ठीक है या फिर हमारी आगे दिक्कत है। डेड का नॉलेज पैड बाई पैड सीक्वेंस बाई सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया है सर। अच्छा डुअल पावर होती है, ट्रिपल पावर होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? सर 3 से 4, और अभी जो लेटेस्ट आएगा 5वा का वो भी सीक्वेंस क्लियर रहे, वो भी सीक्वेंस क्लियर है हमारे पास। अच्छा चेक करने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी आपको? नहीं सर। अगर आपके पास अभी जितने भी सेट थे उसमें रिजल्ट निकाला कि नहीं निकाला? निकाला सर बिल्कुल। अगर आपके पास एक हैंडसेट था, ऐसा हैंडसेट था कि जिसमें जा रही थी हाई बूटिंग, क्या जा रही थी? हाई बूटिंग। तो हाई बूटिंग को आपने नॉर्मल में कन्वर्ट करा उसके अंदर? जी बिल्कुल। आपको कन्वर्ट करने में कितनी देर लगी? कुछ नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट में हो। 4-5 मिनट देव सर ने दी, देव सर ने क्लास दी 5 बजे तक, और 5 बजे से रात को 11 बजे तक 12:45 बज गए। इस टाइम मेरे को डायग्नोसिस करवाए वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अब ये मुझे बताइए कि अगर आपके पास अगर कोई सा भी सेट आता तो उसको डायग्नोस कर सकते हैं कोई नहीं? कर सकते हैं। वो मीडियाटेक का मोबाइल हो, सैमसंग का मोबाइल हो, या एमआई कोई सा भी मोबाइल हो, क्वालकॉम का मोबाइल हो, तो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई सा भी मोबाइल हो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बैटरी कनेक्टर से सीपीयू तक जा सकते हैं? जा सकते। फॉल्ट क्या है ये बता सकते हैं आप? अपने लाइव आपने 3 फोन चेक किया अभी यहाँ पर, रिजल्ट मिले आपको? फॉल्ट मिला आपको? फॉल्ट मिले मेरे को। सिंगल पावर होगा तो भी बताया, ड्यूल पावर होगा, ट्रिपल पावर होगा तो भी बताया, और ट्रिपल पावर का कैसा रीडिंग करना है, किससे किधर पेड़ पे जाता है, क्या जाता है, सब बताया। अगर मोबाइल डेढ़ है तो सॉफ्टवेयर में होगा या फिर हार्डवेयर में होगा वो भी बता दिया। ठीक है, आज हमारी डेट डायग्नोस की क्लास थी जो देव सर ने ली थी, और क्लास बहुत अच्छी गई। हमको सारे जितने भी प्रकार के मोबाइल में फॉल्ट आते हैं, डेढ़ अगर फ़ोन आए तो उसको कैसे डायग्नोस करना है, उसके अंदर कहाँ वोल्टेज चेक करना है, ये सब बताया स्टेप बाय स्टेप। अब कोई सा भी डेट फोन मेरे पास आएगा तो रिटर्न नहीं जाएगा। मेरा नाम अजय सिंह, मैं रत्नगिरी से हूँ, और आज सुबह 10 बजे से 5 बजे तक डेट सेक्शन के बारे में देव सर ने हमें अच्छी तरह से बताया। ओके। और डेट मोबाइल आया तो उसे कैसे चेक करने का है कि आज हमको पूरी तरह से नॉलेज दे दी। अच्छा क्या आप इतने समय से काम कर रहे थे, अभी जो ट्रिपल पावर का कॉन्सेप्ट है, डुअल पावर का कॉन्सेप्ट है, फोर्थ पावर का कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ पावर का कॉन्सेप्ट है, तो उसके सारी चीज़ें आपके पास है कि नहीं है? हाँ सर, पूरी नॉलेज है आपको आज। दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा, बैटरी कनेक्टर से लेके वीबस से लेके आप सीपीयू तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ सर जा सकते हैं। अब पावर आईसी को उठा के साला मतलब पावर आईसी में कौन सी पेड लाइन कहाँ से खराब है, आप उसको फाउंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वो के पास एंडलेस सोल्यूशन है कि नहीं है डेट के पास? हमारे पास डेट का एंडलेस सोल्यूशन है। आज हमारी सुबह देव सर के साथ था, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक था कंटिन्यू, न कोई ब्रेक न कोई कुछ भी नहीं, एकदम कंटिन्यू था। और हमको डेट का पूरा बैटरी कनेक्टर से लेके डीसी टू डीसी से लेके पावर आईसी से लेके सीपीयू से लेके एमएमसी तक हर का हार्ड टेस्टिंग में, जैसे हार्ड टेस्टिंग रीडिंग और जीआर ओके पता है कितना कहाँ जीआर आता है, कितना रीडिंग आता है और कितना वोल्टेज आते हैं, सारे वोल्टेज पते हैं। तो इधर उधर घूम लिए, हाँ दिल्ली जा रहे हो मैंने सुना है, क्या करने? वो मैडम का कॉल आया है, 5 बार बोला, अरे 6वीं बार चलो यार ड्राइंग कर ही लेते हैं, मैडम बड़े प्यार से बोल रही हैं। अरे शादी करने जा रहे हो क्या? अरे शादी नहीं करना है, पढ़ना है, जिंदगी बनानी है, सीपीयू करना है, वहाँ सीपीयू का आता पता नहीं होगा, बोर्ड भी परचेस करने पड़ेंगे, टूल भी उन्हीं से परचेस करना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ खरीदवाएंगे भाई। और बाद में क्या बोलेंगे, टीचरों का नंबर नहीं देते, बहुत बिजी है वो, बड़ा कुमावा की औलाद है हमारी टीचर। तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूट में क्यों जाना जहाँ टीचरों का नंबर ही नहीं है तुम्हारे पास? तो इससे अच्छा है एसए टेलीकॉम, एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ो, एक्सपीरियंस टीचर का नंबर लो, जिंदगी और अपडेट हो, 5G का कोर्स लो मेरे से, और आईफोन का ऑनलाइन फ्री कोर्स लो, आईफोन के लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस हमारे साथ अगले महीने सीपीयू कॉम्पिटिशन करो, 28 तारीख का बैच है, बहुत स्पेशल क्लास है, 25 को ज्वाइन करना है, एमडी सर को कॉल करो कि सर मुझे अक्टूबर का बैच ज्वाइन करना है। और सर बता रहा हूँ ना, पैसे बढ़वा दूंगे ना टाइम, जबकि टेक्नीशियन से टीचर बना दूंगे। कि अभी रिबोलिंग किस किस का क्लियर है? मेरा सर, हम सबका ऑल डन है क्या? आज से पहले ये काम करते थे हम क्या?